अब इस राज्य में लागू होगा एनआरसी। संसद में उठ रही है मांग, मुसलमान हिंदू महिलाओं को बना रहे शिकार, हिंदुओं को खदेड़ रहे हैं जिहादी। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। झारखंड में बांग्लादेशी और बंगाली मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, खासकर संथाल परगना में। ये मामला अब संसद में उठ रहा है, जिसे उठाया है झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग की है। यही नहीं, दुबे ने झारखंड के संथाल परगना के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को केंद्र शासित क्षेत्र बनाने की मांग भी की है। निशिकांत दुबे ने सदन में कहा कि झारखंड में वनवासी समुदाय की आबादी काफी तेजी से घट रही है। यहां मुस्लिम युवक वनवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। लोकसभा में बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, विपक्ष हमेशा यही बोलता रहता है कि संविधान खतरे में है, पर सच तो ये है कि संविधान नहीं, इनकी राजनीति खतरे में है। उन्होंने कहा, झारखंड बिहार से अलग होकर जब अलग राज्य बना, तब संथाल परगना क्षेत्र में 36% वनवासी जनसंख्या थी, जो अब घटकर 26% रह गई है। उन्होंने सदन में सबसे पूछा कि ये 10% आबादी कहां खो गई, लेकिन सदन में इसको लेकर कोई बात नहीं करता। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके। सांसद दुबे ने आगे कहा कि प्रत्येक जगह 15-17% वोटर ही बढ़ता है, पर हमारे यहाँ 123% बढ़ी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र में लगभग 267 बूथों पर मुसलमानों की आबादी 117% बढ़ गई है। झारखंड में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां की आबादी 123% बढ़ी है। यह चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, दुबे ने पाकुड़ से हो रहे हिंदू पलायन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में तारानगर इलाके में दंगा हो गया। इस दंगे की वजह यह है कि बंगाल की पुलिस और मालदा मुर्शिदाबाद से आए लोग हमारे लोगों को भगा रहे हैं। हिंदू गांव का गांव खाली हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकुड़ की जिस घटना का जिक्र यहां किया जा रहा है, उसकी शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से, जहां एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की का वीडियो बनाकर वायरल करने का प्रयास किया था, जिसके बाद हिंदुओं ने इस घटना का विरोध किया और लड़के की पिटाई कर दी। इसी घटना से नाराज होकर मुस्लिम पक्ष के लोग हिंदुओं के घरों के बाहर आ खड़े हुए और जमकर पत्थरबाजी की। खबरों के मुताबिक घटना में कई लोगों के गंभीर रूप से चोटिल होने और कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। इस दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया, जिसके चलते 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि इस घटना से भयभीत होकर हिंदू इलाके से पलायन करने को मजबूर हैं। गांव वीरान हो रहा है। भाजपा नेताओं ने इन हालातों के पीछे बंगाल से आए बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है, साथ ही वर्तमान सोरेन सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस घटना का जिक्र निशिकांत दुबे ने भी किया था। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि झारखंड में कांग्रेस के शासन में यह पाकुड़ का तारानगर इलामी गांव वीरान हो गया है। दोष क्या? एक नाबालिग लड़की का वीडियो बनाकर मुस्लिम लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। विरोध करने पर पूरे हिंदुओं को गांव छोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। झारखंड पुलिस अब पश्चिम बंगाल के लोगों के हाथों असहाय है। संताल परगना कश्मीर घाटी बनने की राह पर है, जहां हिंदू विस्थापित हुए अपने ही देश में। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके। संसद में चैलेंज देते हुए दुबे ने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, यह सीरियस मामला है। अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद से लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। झारखंड पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज से आए लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है। मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इन इलाकों को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करता हूं। बता दें कि इन दिनों झारखंड की राजनीति में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे अहम है। बीजेपी लगातार सोरेन की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है और सोरेन की ये चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की राजनीति को उजागर करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी इसको लेकर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक्स पर लिखा, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। आज के संदर्भ में ये बात हेमंत सोरेन पर भी सटीक लागू होती है। उन्होंने कहा, झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक की आग में झुलस रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रमण में व्यस्त हैं। घुसपैठियों के आतंक से संथाल परगना के जनजातीय मूलवासी अब अपने ही घरों से पलायन करने को विवश हो चुके हैं।
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के हालात 90 के दशक की कश्मीर और वर्तमान बंगाल केरल के जैसे बदतर बनते जा रहे हैं, जहां राज्य सरकारें मुस्लिम तुष्टिकरण की आड़ में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले को देखकर आंखें मूंद ले रही हैं। पाकुड़ के तारानगर गांव में मुस्लिम युवक द्वारा युवती को ब्लैकमेल किए जाने का विरोध करने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदुओं के घरों पर हमले कर दिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी बताती है कि उनकी सरकार का मौन समर्थन इन घुसपैठियों को प्राप्त है। उन्होंने अंत में लिखा कि हेमंत जी, याद रखिए, झारखंड को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। आपकी सरकार कुछ महीनों की मेहमान है, फिर इन घुसपैठियों और उनके सरपरस्तों को भी प्रदेश से बाहर खदेड़ा जाएगा। बता दें कि झारखंड में बढ़ती घुसपैठियों की जनसंख्या को लेकर हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। एसी ने इसे लेकर मौजूदा सोरेन सरकार को लताड़ भी लगाई। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान संथाल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों की बजाय कनीय अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र दाखिल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शपथ पत्र लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अदालत ने देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। जामताड़ा, दुमका और गोड्डा जिला प्रशासन का दावा है कि उनके जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ कोई मामला नहीं है। साहिबगंज में कुछ मामले सामने आए, इन क्षेत्रों में मदरसा पहले का है। अदालत ने इस शपथ पत्र को अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने पिछली सुनवाई में संताल परगना के 6 जिलों के उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया था कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की एक कार्य योजना तैयार कर काम करें। संबंधित जिलों के एसपी घुसपैठ का डाटा उपलब्ध कराने में उपायुक्तों को सहयोग करेंगे। मुख्य सचिव इन सभी की निगरानी करेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मामले में जो शपथ पत्र दाखिल किए गए वह डीसी के बजाय कनीय अधिकारियों की ओर से दाखिल किए गए थे। गोड्डा से डीसी, एलआर दुमका से एडिशनल कलेक्टर, देवघर से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ से एसडीओ, जामताड़ा से डीसी, एलआर की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया था। जनहित याचिका में घुसपैठ के मामले को जनसंख्याकी तथा आदिवासियों के अस्तित्व के लिहाज से खतरनाक बताया गया। पिछली सुनवाई में अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से राज्य सरकार से कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आपके जमीन पर रह रहे हैं, वे तमाम सुविधा उठा रहे हैं, इसको चिन्हित करना होगा और वापस बांग्लादेश भेजना होगा। बता दें कि संबंध में दानियाल दनीश की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने की मांग की गई थी। प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के सीमावर्ती इलाकों से बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार झारखंड आ रहे हैं, इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्थापित किया जा रहा है और घुसपैठिए स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और यही कारण है कि झारखंड में लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि झारखंड में ऐसे पलायन पिछले कई सालों से सामने आ रहे हैं, लेकिन जेएमएम कांग्रेस की सरकार इसको लेकर तनिक भी गंभीर नजर नहीं आ रही, ना ही कोई गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार से इसको लेकर कोई चर्चा की जा रही है। असल में ये नहीं चाहते कि बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड छोड़कर जाए, ताकि इनकी जो मुस्लिम वोट की राजनीति है वो कायम रहे। और अब इसी मुद्दे को बीजेपी सांसद ने संसद में उठाया है और राज्य में एनआरसी की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल बी उत्तर प्रदेश।